नमस्कार दोस्तों, भारत के साथ चीन की 2020 में हुई गालवान घाटी की झड़प में चीन के 42 सैनिक मारे गए थे। यह संख्या चीन की तरफ से बताई गई संख्या से 9 गुना अधिक है। चीन ने गालवान घाटी की झड़प में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी। एक ऑस्ट्रेलिया अखबार ने यह खबर प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया के शोधकर्ताओं ने तैयार की है। भारत ने आधिकारिक तौर से घोषणा की थी कि गालवान घाटी में उनके 20 सैनिक मारे गए थे। यह भारत और चीन के बीच 1962 में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना को हुआ सबसे बड़ा नुकसान था। अखबार में एक साल लंबी खोजबीन के बाद तैयार की गई रिपोर्ट गालवान डिकोडेड प्रकाशित की गई है। भारत और चीन के बीच 15-16 जून की झड़प की शुरुआत में गालवान घाटी की तेज बहती नदी को पार करने की कोशिश में चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। चीन के सैनिक 0 से नीचे के तापमान में अंधेरे में यह कोशिश कर रहे थे। चीन की तरफ से स्वीकार किए गए 4 सैनिकों की मौत में से केवल एक जूनियर सर्जेंट वांग जिरोन नदी में डूबने की खबर मिली। कई वीबो प्रयोगकर्ताओं ने कहा है कि चीन के 38 सैनिक वांग के साथ नदी में बहकर डूब गए थे। आधिकारिक तौर पर घोषित सैनिकों में केवल वांग शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद सैनिकों के शव को पहले शहीदों के स्थल पर ले जाया गया और बाद में स्थानीय स्तर पर गांव कस्बों में मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार हुआ। इस इलाके में काम करने का दावा करने वाले वीबो यूजर कियांग का रिपोर्ट में हवाला देकर कहा गया है कि चीन की सेना बफर जोन में निर्माण कार्य कर रही थी और अप्रैल 2020 से ही अपने पेट्रोलिंग क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और यह आपसी समझौते का उल्लंघन था। चीन सेना पीएलए अपने वादे का नहीं रही और अपने निर्माण कार्य को तोड़ने की बजाय भारतीय सेना की तरफ से बनाया गया नदी पार करने का पुल उन्होंने तोड़ दिया। चीन ने झड़प के बारे में चर्चा को शांत करने के लिए हर प्रकार की कोशिश की। तो दोस्तों, आखिरकार चीन का झूठ पकड़ा गया। तो दोस्तों, ऐसी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।